we are going to discuss how to convert the interrogative sentences. अगर आपको interrogative सेंटेंस दिए हुए हैं वो भी किसके सिंपल प्रेजेंट टेंस के, तो उसका कन्वर्जन कैसे होगा. फर्स्ट क्वेश्चन, डज ही कैरी अ बैग. क्वेश्चन में अगर डज है तो उसका कन्वर्जन हमेशा आपको उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से करना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट जो है दैट इज सिंगुलर, तो आप क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे इससे. यहां पर अ बैग है दैट मीन्स इट इज सिंगुलर, और क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या यूज करेंगे इज. इज उसके बाद सेम प्रोसेस, ऑब्जेक्ट को यहां पर लेकर आएंगे. इज अ बैग कैरी का थर्ड फॉर्म, कैरीड बाय ही का कन्वर्जन हो जाएगा हिम. सो कन्वर्जन वुड बी इज अ बैग कैरीड बाय हिम. सेकेंडली वॉट डू यू डू, जब भी वॉट होगा क्वेश्चन वॉट से स्टार्ट हो रहा होगा, वॉट जो है वो अपनी ही प्लेस पर रहेगा, उसका कोई कन्वर्जन नहीं होगा. तो स्टार्ट कन्वर्जन यहीं से होगा वॉट. अब बाकी सेंटेंस को चेंज करेंगे क्योंकि वॉट डू यू डू सिंगुलर है, वॉट इज डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन. वॉट इज डन बाय हमारा सब्जेक्ट है यू. सो वॉट इज डन बाय यू. थर्ड, डू यू रीड अ बुक. जैसे डज में हमने ऑब्जेक्ट को देखकर यहां पर इज लगाया था, वैसे ही सेम डू के लिए भी. डू जो है कन्वर्ट होने के बाद कभी भी डू नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट को देखकर ही आपको यहां पर एक एडिशनल वर्ब या क्वेश्चन जो होगा वो लगाना पड़ेगा. डू यू रीड अ बुक, अ बुक इज सिंगुलर, इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा इज. इज फिर सेम प्रोसेस, इज अ बुक रीड का थर्ड फॉर्म रेड बाय यू. इज अ बुक रेड बाय यू. फोर्थ क्वेश्चन, हु टीचेज यू मैथमेटिक्स. जब भी हु होगा उसका कन्वर्जन हमेशा हो जाएगा बाय हु. सिर्फ हु का कन्वर्जन हमें याद रखना है, हमेशा हो जाएगा बाय हुम. हु टीचेज यू मैथमेटिक्स, हु का कन्वर्जन बाय हुम. अब सेम प्रोसेस, ऑब्जेक्ट को लेकर आना है आगे, बाय हुम मैथमेटिक्स इज टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, टॉट टू यू. बाय हुम मैथमेटिक्स इज टॉट टू यू. फिफ्थ क्वेश्चन, why do you dislike this boy? Why जो है वो भी कन्वर्जन नहीं होगा और as it is यहां पर आ जाएगा why. ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, why this boy, boy क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ आ जाएगा is. dislike का थर्ड फॉर्म होता है disliked. So why this boy is disliked by you? Why this boy is disliked by you? Now we have learned the conversion of sentences of simple present tense. Moving forward to the sentences of present continuous tense. अगर कोई sentence continuous tense में है या नहीं ये कैसे पहचाना जाए, उसके verb में अगर ing form जुड़ा हुआ है इसका मतलब it is in continuous form. So यहाँ पर stitching है ing, तो ये sentence जो है वो continuous का है. प्रेजेंट में ही है, ये कैसे पता चले, क्योंकि उसके आगे क्या लगा हुआ है इज. इज सिग्निफाइज प्रेजेंट टेंस एंड आई एन जी सिग्निफाइज कंटिन्यूअस टेंस. सो द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब इसका कन्वर्जन प्रोसेस सेम, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आना है. अ शर्ट, शर्ट इज सिंगुलर इसीलिए उसके साथ एड हो जाएगा इज. अ शर्ट इज, यहां पर आपको एक वर्ड यूज करना है विच इज बीन. जब भी हम कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को चेंज करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तब हमें एक वर्ड ऐड करना होता है विच इज बीन. शर्ट इज बीन स्टिच का थर्ड फॉर्म स्टिच्ड बाय शी का कन्वर्जन हो जाएगा हर, बाय हर. अ शर्ट इज बीइंग स्टिच्ड बाय हर. Moving on to the second question, I am writing a letter.
अ लेटर जो है वो आगे आ जाएगा, अ लेटर, क्योंकि लेटर सिंगुलर है इसीलिए उसके साथ यूज होगा. इज, एक वर्ड हमें ऐड करना है विच इज बीन. अ लेटर इज बीन राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन बाय आई, तो कन्वर्जन हो जाएगा बाय मी, आई का कन्वर्जन हो जाता है मी. सो आंसर इज अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी. क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट जो है वो अपने प्लेस पर ही रहेगा, व्हाट इज, साथ में हमें एक वर्ड ऐड करना है दैट इज बीइंग. व्हाट इज बीइंग, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन. व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू. फोर्थ, आर यू ड्रॉइंग अ पिक्चर. जब भी आर डू डज इन सारे वर्ब्स के थ्रू क्वेश्चन स्टार्ट होता है तब हमें कन्वर्जन जो करना होता है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू करना होता है, ऑब्जेक्ट को देखकर. ऑब्जेक्ट जो है वो है अ पिक्चर, दैट मीन्स इट इज सिंगुलर, इसीलिए क्वेश्चन जो है वो आर से नहीं इस से स्टार्ट होगा. इसको देखकर यहाँ का जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो हम प्लेस करेंगे. जब भी यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड्स दैट इज व्हाट वेयर इस तरह के शब्द न होकर इस तरह के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनसे जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तब आपको ऑब्जेक्ट को देखकर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्लेस करना है. क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है अ पिक्चर, इसीलिए क्वेश्चन वुड स्टार्ट फ्रॉम इज. इज ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे. इज अ पिक्चर वर्ड ऐड करना है बीइंग. ड्रॉ का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रॉन. इज अ पिक्चर बीइंग ड्रॉन बाय यू. फिफ्थ क्वेश्चन, वी आर नॉट लिसनिंग टू यू. इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, वी आर नॉट लिसनिंग टू यू. यहां पर थोड़ा सा फर्क ये है कि वी जो है वो भी सब्जेक्ट है और यू जो है वो भी सब्जेक्ट है, लेकिन यू जो है वो किसकी प्लेस पर है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर, तो यहां पर इसी को ही ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा. सो कन्वर्जन वुड बी, इसको आगे लेके आएंगे, यू आर, निगेशन जो है उसको प्लेस कर देंगे नॉट, वर्ड जो ऐड करना है बीइंग. यू आर नॉट बीइंग लिसन का थर्ड फॉर्म listened, you are not being listened by, we का conversion हो जाएगा us, conversion would be you are not being listened by us. We have completed the sentences of present continuous tense. Here are some sentences for you to solve as homework. First, why are you making a noise? Second, people are admiring this man. Third, is the gardener watering the plants? Fourth, how are you solving this sum?